रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सिक्स होप सो यू आर फाइन। माय नेम इज़ फरवा तारिक एंड आई एम योर साइंस टीचर। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फाइबर टू फैब्रिक, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने कहाँ तक देख लिया। हमने मेन देखा कि जो हमारे पास फाइबर है जिससे एक कपड़ा बनता है, ठीक है, उसका हमने कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो फाइबर बेसिकली है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। उसके हमें टू मेन टाइप्स पड़ी थी, डेट वॉज प्लांट नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर होते हैं जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल से नहीं मिलते, यानी कि वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम फैक्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर खुद तैयार करते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल फाइबर्स थे उसके अंदर मेन हमने दो प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, इट वॉज कॉटन एंड जियोट। कॉटन एक प्लांट है जिसके ऊपर बॉल लाइक जो से बना होता है, कॉटन ग्रो करती है, फिर वहाँ से फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में भी हेल्पफुल होता है कॉटन। और उसके साथ साथ हमारे जो सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है वो कॉटन ही है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉटन है ये एक ब्रेथेबल फैब्रिक होता है, इससे हवा आर पार हो जाती है, ये समर में कंफर्टेबल रहता है, सॉफ्ट भी होता है उसके साथ साथ। इसके अलावा जो कॉटन है वो ज़्यादातर हमें डेनिम बनाने के लिए, यानी कि जो ब्लू जीन्स होती हैं या जो खादी जो हैंडमेड फैब्रिक होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि सॉक्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, बेडशीट्स हो गई, ये सारी जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाला कपड़ा है, फैब्रिक है, उसमें भी कॉटन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको हम इसको अपने ज़ख्म वगैरह इसको अगर स्टरलाइज कर लिया जाए, यानी कि इसके अंदर जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल एक स्टरलाइज बिल्कुल साफ़ सुथरी जो कॉटन होती है उसको हम अपने ज़ख्म जो हो जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए, उनको लपेटने के लिए भी कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉटन के बाद वो डेट वॉज जूट। जूट एक प्लांट होता है जिसकी जो स्टेम है बेसिकली वहाँ से फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके जो उधर से जूट प्लांट से जो हमें फाइबर मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, उसके साथ साथ वो एक थोड़ा सा खुरदरा और इनके सख्त कोर्स सा एक फाइबर होता है। जो जूट फाइबर से जो फाइबर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे जो फैब्रिक बनता है उसको हम कहते हैं बर्डलैप, और जूट फैब्रिक्स को हम हेसिंग क्लॉथ भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो जूट सैक्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं जिसमें मोस्टली जो ग्रेन्स आते हैं, दालें हो गई या गंदम हो गया या चना हो गया, ठीक है, इनको हम गनी बैग्स कहते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जूट को जो एशिया के अंदर इसको बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जूट जो है वो लार्ज क्वान्टिटी में काश्त की जाती है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ हमने देखा था कि ये एक जो है वो बायो डिग्रेडेबल फैब्रिक होता है, ठीक है, यानी कि ठीक हो गया, यानी कि जो हमारे पास यंग सैप, इसके साथ हमने देखा था कि जो यंग सैपलिंग्स होती हैं, यंग सैपलिंग्स जो बिल्कुल एक नया जो पौधा बिल्कुल जो होता है उनको कवर अप करने के लिए, ट्रीज़ को कवर अप करने के लिए भी जूट फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इमिटेशन सिल्क भी बनाई जाती है, इससे पल्प भी बनाया जाता है, पल्प के साथ साथ जो पेपर है जो हम अपना पेपर इस्तेमाल करते हैं, आपकी बुक्स बनती हैं, आप नोटबुक्स बनती हैं, शीट्स होती हैं डिफरेंट तरह की, वो हम पेपर जो है बेसिकली वो जूट फैब्रिक से हमें जूट फाइबर से हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जूट को दुफ्ते जो है हम कॉटन के साथ ब्लेंड करके या कॉटन से भी रिप्लेस किया गया है उसको, डिफरेंट हम ये जो हमारी चेयर हो गई उनकी कवरिंग के लिए, सोफ़ा कवरिंग के लिए, क्लीन बनाने के लिए, ठीक है, इस डिफरेंट जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ठीक, उसको बनाने के लिए भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम एक और फाइबर देखेंगे, डेट इज़ कॉयर। कॉयर इज़ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट प्लांट। कोकोनट जो प्लांट होता है, यानी कि जो हमारे पास खोपरा जिसको हम नारियल कहते हैं, ठीक है, इसकी जो अगर आप आउटर कवरिंग देखें उसकी बहुत खुरदरी सी और उसके ऊपर हेयरी होती है, ब्राउन से कलर की होती है, बिल्कुल ऐसे सख्त सी एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता रहता है, देन उसके अंदर से हमारे पास जो फ्रूट आता है वो थोड़ा सॉफ्ट सा, लेकिन जो उसकी कवरिंग है वो थोड़ी हेयरी और सख्त होती है, वहाँ से जो फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डेट इज़ कॉयर। कॉयर किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है,
इसको सबसे पहले जो कोकोनट होती है यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है इसका जो छिलका है सॉरी जो आउटर कवरिंग पूरी होती है उसको पानी के अंदर सोक कर दिया जाता है। जब उसको कोकोनट को सोक कर दिया जाता है तो जब थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होने के बाद इसका जो हस्क है यानी कि जो वाला छिलका होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस जो हस्क होता है यानी कि सेकंड स्टेप अगर आप देखें या इसके बाद इसको एक लंबे जो इसको इतना ज़्यादा बीटन अप किया जाता है, बीटन किया जाता है कि वो हमें एक फ़ाइबर मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं क्वाइड, ठीक है। इसके बाद क्वाइड को स्पन किया जाता है, उसको बुना जाता है, उसको डाई भी किया जाता है, उसको डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं। वैसे तो ये ब्राउनिश से कलर का होता है, जब हमें एक जो रॉ फाइबर मिलता है वो ब्राउनिश से कलर का होता है, लेकिन इसको हम डिफरेंट कलर्स के अंदर भी डाई कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें रेडिश कलर का डाई किया हुआ है, उसके बाद फिर हम इसको इसका जो फैब्रिक नुमा स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं, उसको वूवन कर लेते हैं, उसको बुन लेते हैं, ठीक हो गया। इसके मेन स्टेप क्या था, सबसे पहले इसको सोक किया जाता है। जब इसको सोक कर लिया जाता है, कोकोनट को सोक किया जाता है, फिर ऊपर से जो उसका छिलका है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, हस्क जो होता है बेसिकली इसको हम हस्क कहते हैं, इसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। देन उसको बीट किया जाता है अच्छी तरह से कि वो फाइबर धागेनुमा स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। देन उसको स्पन किया जाता है, नेक्स्ट उसके बाद डाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, और दोनों उसके बाद उसको वूवन किया जाता है, बुना जाता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास मेन इसके स्टेप्स हैं, इसको देख लेते हैं। कोकोनट आर सोक्ड इन वाटर देन देयर हस्क इज सेपरेटेड। देखें सबसे पहले ये देखें इस पिक्चर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें इसको कोकोनट को सोक किया गया है, देन उसको हस्क जो है वो सेपरेट आउट कर लिया गया। देन हमारे पास क्या है, द हस्क इज देन बीटन टू गेट द फाइबर्स कॉल्ड क्वायर, ठीक है। ये जो हमारे पास है इस जगह पे उसको बीटन किया जाता है, जो हमारे पास फाइबर एक्सट्रैक्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वायर इज देन स्पन डाइड एंड वूवन, ठीक है। ये इसको स्पन किया जा रहा है, नेक्स्ट उसको डाई किया जा रहा है, एंड इन द लास्ट पिक्चर यू कैन सी इट इज़ वूवन, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टेप्स हो गए किस तरह से हमें जो क्वायर है बेसिकली जो क्वायर फाइबर है वो कोकोनट प्लांट से किस तरह से मिलता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। क्वायर इज़ यूज टू मेक अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक मैट्स, रोप्स, फ्लोर कवरिंग्स, ठीक है। यानी कि डिफरेंट मैट्स होते हैं, छोटे छोटे मैट्स भी होते हैं, बड़े बड़े मैट्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए, उसके साथ साथ रस्सियाँ जो होती हैं बेसिकली उनको बनाने के लिए, और फ्लोर कवरिंग्स के लिए जो कलीन वगैरह होते हैं थोड़े से क्वायर से भी बनाए जाते हैं। दे आर यूज टू स्टफ़ मैट्रिसेस एंड पिलोस, इनको मैट्रिसेस यानी कि जो गद्दे होते हैं उनको स्टफ़ करने के लिए और पिलोस को स्टफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। आज हम थोड़ी सी इसकी एक्टिविटी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। द थिन थ्रेड डेट फॉर्म क्लॉथ्स आर कॉल्ड, थिन थ्रेड जो कि क्लॉथ बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो धागा है जो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पूरा एक कपड़ा बनाने के लिए उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ फाइबर्स, ठीक हो गया। द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर, हमने अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, हमने उसको रिवाइज़ किया था कि दो मेन टाइप्स फाइबर्स की कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं नेचर फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। इसके बाद हमने देखा था टेरी क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम टेरी क्लॉथ, टेरी क्लॉथ इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, इसको हम किस तरह से बनाते हैं, इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, ठीक है। टेरी क्लॉथ किससे बनाया जाता है, कॉटन से। डैश इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल, अभी मैंने थोड़ा जो इंट्रोडक्शन दे रही थी जो हम रिवीजन कर रहे थे लेक्चर की उसके अंदर भी मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा हमारे पास फाइबर है जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं, 100% बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं, दैट इज़ ज्यूट। डैश इज़ द फाइबर वी गेट फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाम, अभी हमने देखा, अभी हमने ये टॉपिक बिल्कुल अभी रिसेंटली इसको हमने पढ़ा है, वो कौन सा ऐसा फाइबर है जिस जो हम कोकोनट जो पाम है उसकी कवरिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, डैट इज़ क्वायर, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसमें हमने मेन जो फाइव इसके अंदर हमने ब्लैंक्स डिस्कस कर ली, इसको भी आपको रिवाइज रिवीजन हो गई होगी पीछे जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, एक छोटा सा होमवर्क असाइनमेंट करेंगे, वाई डू ट्रेडिशनल क्लॉथ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने जब इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था लेक्चर नंबर वन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल जो क्लॉथ्स होते हैं वो किस तरह से प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। वॉट आर वेरियस यूजेज ऑफ जूट, जूट के डिफरेंट फ़ायदे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेम एनी टू सिंथेटिक फाइबर्स, कोई भी दो सिंथेटिक फाइबर्स के नेम। हाउ इज कॉयर मेड,
हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट जो उसका प्रोसेस था वो देखा था कि क्वायर किस तरह से बेसिकली हमें मिलता है, ठीक है। आपने ये जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके लिए आप पिछले लेक्चर भी देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसका प्रॉपर वर्डिंग के लिए अपनी बुक से भी देख सकते हैं आप। इसको किसी भी कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा या शीट्स के ऊपर लिख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।